अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? व्यूअर्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आज एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं, और आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं और अपने कमेंट्स में अपने इशू को भी मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझे कम अज़ कम रिस्पॉन्स तो दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि एक स्कैनर है 3110, इसमें इशू ये आ रहा है कि ये बिल्कुल डेड है। ये मैंने अडाप्टर इसको लगाया है, अडाप्टर लगा के जब इसको ऑन करते हैं तो ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा। तो उसके लिहाज से आपको मैं बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करना है, क्या क्या इशू इसमें आ सकते हैं। पहले ये वाली केबल आप निकाल लें, इसका ये कवर साइड पर कर लें, पावर केबल उतार दें आप, और उसके बाद इसके चार सिक्यू हैं, 1, 2, 3 और 4, ये आप खोल लें। खोलने के बाद इसको ये साइड पे लॉक लगे होते हैं, लॉकों के ज़रिए आप इसको निकाल लें। साइड पर कर लें, उसके बाद ये देखें, ये इसका फॉर्मेटर बोर्ड है, ये इसकी मोटर है और ये इसका स्कैनिंग यूनिट है। सबसे पहले हम फॉर्मेटर बोर्ड को चेक करेंगे। इसकी सर्किट के ऊपर ये फ्यूज़ लगा होता है, इसके तीन पेच हैं, 1, 2 और 3। ये स्क्रू तीनों खोल लें। खोलने के बाद इसकी ये केबलें उतार लें, ये बोर्ड निकाल लें। निकालने के बाद इसको हम फ्यूज़ को चेक कर लें, फ्यूज़ ठीक है, इट्स मीन के फ्यूज़ इसका ठीक है। बाकी हम इसके जो पावर सेक्शन में चीज़ें आती हैं वो बाकी हम चेक कर लेंगे कि बाकी क्या क्या है, उसके बाद फिर हमें फाइनली इसका डिसीजन लेंगे। केबल को आप दोबारा लगा दें, लगाने के बाद दूसरा जो इसका पैनल लगा होता है, ये जो केबल वाला पैनल है, ये में भी हो सकता है कि इसका इशू हो। इसके इशू को चेक करने के लिए हम ये कवर आराम से इसके ऊपर से उतारें, डबल टेप लगी होती है इसके नीचे, ये हम कवर निकाल लेंगे इसके उतार लेंगे। करने के बाद स्क्रू ये लगे हुए हैं, स्क्रू को हम आराम से निकाल लेंगे। ये इसका छोटा सर्किट लगा हुआ नीचे, इस पर ये केबल लगी है। इस केबल का भी इशू हो तो ये ख़राब होता है। बटन को हम पहले कंफर्म कर लेंगे कि बटन हमारा ठीक है कि नहीं। सबसे पहले हम ये बटन को चेक करेंगे, प्रेस कर बटन को,
ये देखें बीप आ रही है, इट्स मीन के बटन ठीक है हमारा। अब दूसरा जो इशू हमें जो जज हो रहा है कि वो ये इस केबल का भी इशू होता है, केबल बीच में से डिस्कनेक्ट हुई है, या इसकी पिनों को पहले आप गौर से देख लें, पिनें इसकी कंप्लीट है। पिन इसकी तकरीबन सारी ठीक है, पिनों का इशू नहीं है। तो ये केबल अंदर से डैमेज हुई है, तो इसका इस तरह करेंगे कि इसको कंफर्म करने के लिए यह पैनल जो इसका है, ये दूसरा पैनल है दूसरे स्कैनर का, जस्ट हमें चेक करने के लिए कि इस स्कैनर को हम ये पैनल को लगा के इसका कंफर्म कर लेंगे कि ये इशू आपको सिर्फ दिखाने के लिए, वरना तो ये केबल का ही इशू है, केबल का ही मसला है जिस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। अब हम इसको अडाप्टर लगाएंगे। और दूसरी व्यूवर जी है, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप स्कैनर के पावर का इशू हो तो सबसे पहले आपने अडाप्टर को चेक करना है, अडाप्टर के अगर वोल्टेज आ रहे हैं, इसकी केबल में लगा दूँ चले, वोल्टेज पे कर लो, करने के बाद इसको मैं चेक करूँगा, ये देखें इसके 12 वोल्ट कंप्लीट पूरे आ रहे हैं, इट्स मीन के अडाप्टर आपका ठीक है। सबसे पहले आपने यही चेक करना होता है कि अडाप्टर के वोल्टेज अगर आ रहे हों, उसके बाद आपने फिर दूसरा जो मराइल होता है वो फार्मेटर बोर्ड के ऊपर जो फ्यूज़ लगा होता है उसको चेक कर लें। फ्यूज़ चेक करने के बाद फिर तीसरा जो प्रोसेस होता है वो आप इसका जो पावर बटन ऑन ऑफ बटन है उसको देख लें, मे भी हो सकता है कि पावर ऑन ऑफ बटन का इशू हो, वो अगर वो भी नहीं है तो उसका फोर्थ पीस ये है कि ये जो केबल लगी होती है इसकी इस फ्रंट पैनल को, तो वो वाली केबल आप चेक कर लें। ये मैंने पावर लगाई है इसकी, पावर लगाने के बाद मैं इसको देखें ऑन करता हूँ, ये देखें स्कैनर ऑन भी हो गया है और इसका लैंप भी ऑन हो गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये केबल लगी है, केबल का इशू है। तो ये मार्केट से आपको केबल ईजीली मिल भी सकती है, अगर आपको केबल ना मिले तो इसका आप डायग्नोस कर लें कि कौन सी पिन जो है ना काम नहीं कर रही, उस पिन को आप मैन्युअली चेक कर लें, चेक करने के बाद ताकि आप उसको पिन को रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये था आज का ये स्कैनर का, मैं आपको इसलिए इसके साथ बता रहा था कि कई लोग मेरे से पूछते हैं जी हमारे पास ये चीज़ें फ़लाँ उसमें ये एक्सेस नहीं हो रहा, वो नहीं एक्सेस हो रहा। उसके लिहाज से ये है कि ये जनरल वीडियो मैंने बनाई है, एक तो पावर का इशू आता है तो उसका क्या क्या प्रोसेसिंग आपने करनी है, किन किन चीज़ों को आपने चेक करना होता है, ये चार चीज़ों के बाद अगर ये चार चीज़ों के मराहल से गुजर जाए तो फिर भी आपका स्कैनर ऑन ना हो, तो फिर उसके बाद फिफ्थ जो पार्ट होता है वो इसका फार्मेटर बोर्ड पे ही आ जाता है, मुनसर होता है कि फार्मेटर बोर्ड काम नहीं कर रहा है, शॉर्ट हुआ है। फार्टर में फार्मेटर बोर्ड को आप चेक कर लें, कोई आईसी बर्न हुई है, कोई ऐसी चीज़ बर्न तो नहीं हुई, या कोई डायोड वगैरह बर्न तो नहीं हुआ, अगर वो नहीं हुआ है तो इस तरीके से होता है। तो ये फार्मेटर बोर्ड का दूसरा सेकंड अगर ये रिपेयर नहीं हो सकता तो इसका यही हल है कि इस फार्मेटर इसके साथ का मॉडल का फार्मेटर बोर्ड आप परचेज़ करके इसमें लगाएंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा जो सबसे आखिरी चीज़ है जो स्कैनर यूनिट, सम टाइम ये होता है कि आपका फार्मेटर कार्ड ठीक होता है, आपका स्कैनर यूनिट का ये लैंप नहीं ऑन होता, या आपका स्कैनिंग यूनिट का ये है कि लाइनिंग आती है, या फिर आपका स्कैनिंग यूनिट का ये है कि हाफ पेज वाइट देता है, ब्लैंक देता है और हाफ पेज पर स्कैनिंग आती है, ये इशू, ये सारे इशू जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इशू स्कैनिंग यूनिट के होते हैं, लैंप ऑन ना होना, लाइनिंग आना और हाफ प्रिंट हाफ स्कैनिंग करना, हाफ ब्लैंक पेज देना। सबसे पहले तो उसकी ये केबल आप ये वाली चेक कर लें, अगर ये केबल का भी इशू हो तो लाइनिंग इस केबल की वजह से आती है, एक दो पिने बीच में से स्किप हो जाएँ, वो काम ना कर रही हों, वर्क ना कर रही हों, तो उस वजह से भी आपकी लाइनिंग आएंगी, स्कैनिंग आपकी कंप्लीट प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी। केबल और उसके बाद स्कैनिंग यूनिट का, ये दो इशू लास्ट मराइल हैं जो आप स्कैनिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग के टाइम पे आपको जो इशू आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं कि आपका या तो स्कैनिंग यूनिट का इशू आ रहा है या फिर केबल का। केबल का इशू वो भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ, केबल का इशू वो वाला इशू होगा जो लाइनिंग आ रही हो, हाफ प्रिंट आ हाफ स्कैनिंग आ रही हो और हाफ स्कैनिंग ब्लैंक आ रही हो,
या इस तरह के इशू हो, केबल अगर डैमेज होती है, केबल के कुछ पॉइंट डिस्कनेक्ट होते हैं जिस वजह से वो इशू आते हैं, अगर केबल ठीक है, अगर आपने केबल को प्रॉपर एक मीटर मीटर के साथ आप उसकी कंटिन्यूटी को एक एक पिन करके चेक कर लेते हैं, अगर वो केबल ठीक है, तो उसके बाद ये भी होता है कि केबल जब हम लेती है, जब फोल्ड होती है, उस टाइम पे भी केबल किस जगह पे अगर डिस्कनेक्ट है, फोल्डिंग के टाइम पे वो पॉइंट जो है पहले तो शो हो रहते होते हैं लेकिन फोल्डिंग के टाइम पे वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस लिहाज से ये है कि स्कैनिंग यूनिट को चेंज करने से पहले, सबसे पहले आपने इसकी केबल मस्ट चेंज करनी है, चेक करना है। मे बी ज़्यादातर प्रॉब्लम ऐसे होती हैं कि जो आप स्कैनिंग यूनिट केबल आप चेंज करते हैं, चेंज करने के साथ ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब स्कैनिंग यूनिट केबल आपने नहीं लगा ली है, नहीं लगाने के बाद भी अगर आपको वो इशू नहीं रिजॉल्व हो रहे, तो उसका यही आखिर में सोल्यूशन रहता है, रेजोल्यूशन यही होती है कि स्कैनिंग यूनिट आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप स्कैनिंग यूनिट को रिप्लेस करते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी वीडियो बना के नए आने वाले को और जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनको जाहिर नए नए हैं इस फील्ड में, उनको गाइडलाइन देते रहना, मेरी कोशिश यही होती है कि उन तक इस तरह के जो भी छोटे छोटे इश्यूज़ हैं उन तक पहुंचाऊं। और नए जो घर में बैठे हुए हैं, जो लोग खुद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं कि हम खुद इस चीज़ को ओके करें, तो वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं और प्रॉपर तरीके से। कोई इतनी मुश्किल चीज़ कोई भी नहीं होती, जस्ट ये है कि उस पर थोड़ा सा फोकस आपका होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ मैं ओके कर सकता हूँ। आप मेरी वीडियो के लिहाज से स्कैनर, जितने भी स्कैनर हैं सबके तकरीबन सेम इसी तरह के इश्यूज आते हैं, और स्कैनर कोई भी मॉडल हो, सिर्फ उनके खोलने के तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, उसका खोलने का तरीक़ाकार डिफरेंट होगा, लेकिन ये है कि बाकी उसकी जो वर्किंग है, जो प्रोसेसिंग है, वो सबकी सेम ही होती है। तो व्यूवर्स, इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में मेरे चैनल्स को आगे वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे आप लोगों की जितनी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी तो मैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ मेरे सामने आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता रहूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।